સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં ગણતરીના કલાકોમાં જ 21 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે। સંઘ પ્રદેશમાંથી પસાર થતી દમણગંગા નદીના ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે। જ્યારે વરસાદને કારણે શાળા કોલેજોમાં પણ 2 દિવસની રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। વરસતા વરસાદને કારણે દપાડા અને ચિંચપાડા ગામમાં ફસાયેલા 15થી વધુ લોકોને રેસ્ક્યુ કરી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। સંઘ પ્રદેશમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ વચ્ચે એસપી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મેણા સહિતની પોલીસ ટીમ તેમજ વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ ખડે પગે રહી પ્રજાની સેવા કરી રહ્યા છે। पिछले 24 घंटे में 100 mm से ऊपर बारिश हुई है दादरनगर हवेली में, और भी बारिश का भी संभावना है जो कि वेदर फोरकास्ट IMD से आती है हमारे पास। तो इसके लिए हमने, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे अथॉरिटी एस्टैब्लिश है DDM में, DNH की जो दादरनगर हवेली का आपदा प्रबंधन सेल है उसमें एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश है, उसमें सभी जो भी अधिकारी हैं उनका एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि आपस में मधुबन डैम से, वलसाड़ से, पालघर से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, लोल जितने भी रिवर कैचमेंट एरिया है वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आती है, IMD के भी ऑफिशियल्स हैं, दमन गंगा के भी ऑफिशियल्स उस ग्रुप में हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन सबके पास तत्पर स्प्रेड हो जाती है। कलेक्टर ऑफिस में 24/7 एक हमने डिजास्टर कंट्रोल सेल बनाया हुआ है, एक वार सेल बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे 1077 अगर हमारे एरिया के लोग हैं तो 1077 डायल कर सकते हैं, तभी के तभी कॉल हमारे पास आएगी, और हमने 24/7 अरेंजमेंट किया हुआ है कि तभी के तभी कॉल अटेंड हो, कोई भी कॉल मिस नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि नंबर बिजी आएगा, हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि नंबर दूसरे फ़ोन पर रिंग कर जाए अगर उस समय वो वाला फ़ोन बिजी आ रहा है तो। साथ ही साथ हमने हर एक पंचायत में, पंचायत के एरियाज में, SMC एरियाज में भी टीम बनाई हुई है, 5-5 लोगों की टीम हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत के एरिया में 5-5 लोगों की टीम बनी हुई है, जिसमें कि एक सीनियर अधिकारी टीम लीडर भी है उन एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में पंचायत के लोगों के साथ, पंचायत सेक्रेटरी के साथ, CEO सर ने भी एक लिस्ट बनाई है अपनी तरफ से, SMC CEO ने भी लिस्ट बनाई है अपनी तरफ से, और कलेक्टर सेल से भी एक लिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए एक हमने SMS के जरिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो SMS गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, हमने एक SMS सबके पास पहुंचाने के भी तरीका अपना, वो सुबह और शाम जिस भी समय बारिश के हमें ज़्यादा प्रेडिक्शन रहती है उस समय हम वो मैसेज उनके पास फॉरवर्ड कर देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे रिलीफ सेंटर, 35 रिलीफ सेंटर हमने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, लो लाइंग एरिया में अलग से 15 रिलीफ सेंटर एस्टैब्लिश हैं जो कि ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल या कि CPS स्कूल्स हैं, वहाँ पे 24 घंटे अगर किसी के घर में पानी घुस जाता है, जैसे कि कल चिंचपाड़ा में 3 घरों में पानी घुस गया था, तो वहाँ से हमने लोगों को राहत के लिए ऐसे भी बनाई गई हैं काफ़ी टीमें, CEO SMC से भी बनाई गई हैं, तो हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में हमने पर्टिकुलर 5-5 बंदों की एक टीम बनाई है। अच्छा, अब जो इफेक्टेड हैं, आपने जैसा बताया कि दपाड़ा में कुछ घरों में पानी घुस गया, उनके लिए फूड पैकेज या दूसरी या स्वयंसेवी संस्थाओं से अरेंज किया जा रहा है या प्रशासन खुद उपलब्ध करा रही है? इसमें हमने NGOs भी आइडेंटिफाई की हुई है, पर एज ऑफ नाउ अभी क्योंकि घटना। नमस्कार, मैं हूँ योगेश सोलंकी, मेरे साथ खड़े है नरोली गाँव के सरपंच धर्मेश भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे नरोली में मोरी फलिया में आहिर फलिया बांसवाड़ा जो रास्ता है, वो रास्ते पे 4 पेड़ गिर गए थे। पहले एक आम का पेड़ गिरा, उसके बाद 2-3 और पेड़ गिर गए, तो सारे पेड़ों को सुबह 8 बजे से लगे हैं, अभी 5.5 घंटा होने को आया, अभी हम लोग पूरा फ्री हुए हैं, अभी सुबह से जो 7 बजे लाइट गई है अभी आधा घंटा और लगेगा लाइट आने में। बहुत सारी बारिश आई गुजरात में, तो बहुत नुकसान हुआ नगर हवेली में। नरोली गांव की बात करें तो किसी की जान माल का नुकसान नहीं है, लोगों के आंगने में पानी भरा है, लेकिन जैसे ही बारिश खुलेगी पानी उतर जाएगा। यहाँ पर भी पानी पूरा भरा था इसमें, लेकिन यहाँ जो नाला रखा था वो बंद था, वो भी हमने साथ में खुलवा दिया, तो यहाँ का भी पानी पूरा आप देख रहे हो निकल रहा है। तो अभी नरोली गांव में ऐसी कोई नुकसानकारक बात है नहीं, जो भी है हमारी टीम पंचायत की हर जगह पे पहुंच के सभी नारे पहले से ही तैयार कर दिए थे, शायद एक तो रह गए थे, वो भी अभी चालू है काम, इसलिए कोई नुकसान नहीं है नरोली गांव में।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ